हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं उज्ज्वल चित्रांश और मैं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं जिसका नाम है चित्रांश कॉमर्स क्लासेस। तो चलिए शुरू करते हैं। सो स्टूडेंट्स, आज हमने अकाउंटिंग इक्वेशन चैप्टर के ही अपने न्यू टाइप के ट्रांजेक्शंस लिए हैं जिसमें हम लोग न्यू टाइप के प्रॉब्लम्स को देखेंगे कि किस टाइप के अलग अलग हमारे क्वेश्चंस और आते हैं। लास्ट हमने जो टू लेक्चर्स में आप लोग को क्वेश्चन बताए थे वो अलग टाइप के थे, जो ट्रांजेक्शन अलग अलग आ रहे थे। अभी यहाँ पर कुछ और डिफरेंट टाइप के ट्रांजेक्शन आए हैं, तो स्टेप बाय स्टेप हम सारे ट्रांजेक्शन को देखते चलेंगे। सो स्टूडेंट्स, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक करके नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, क्योंकि मैं रेगुलर जो न्यूमेरिकल वीडियो अपडेट करूँ आपको उसकी नोटिफिकेशन मिलते रहे। सो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। सबसे पहला जो हमारा ट्रांजेक्शन है, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश रुपीज 1 लाख। सो कैश में स्टार्ट करेंगे अपना बिजनेस हम। सो कैश हमने पहले लिख दिया यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि ये हमेशा आना है, कैश हमेशा बिजनेस में तो रहना ही रहना है। फिर अब इसके बाद से जब कैश में स्टार्ट किया तो वो हमारे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए कैपिटल। सो हम सबसे पहले क्या करेंगे, फर्स्ट नंबर ट्रांजेक्शन मेंशन किए, ट्रांजेक्शन पूरा नोट कर देंगे, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश रुपीज 1 लाख, जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, आप लोग स्पेस थोड़ा ज्यादा लीजिएगा। फिर यहाँ पर कैश कितना आया हमारे पास 1 लाख का, तो 1 लाख हमारे पास कैश हो गई, इज इक्वल टू के नीचे इज इक्वल टू लायबिलिटी तो कुछ नहीं है, कैपिटल ही है हमारी, ये 1 लाख रुपीज की क्या हो गई हमारी, कैपिटल हो गई। तो ये हमने मेंशन कर दिया। अब इसी के साथ हमारा फर्स्ट ट्रांजेक्शन कंप्लीट भी हो गया, ठीक है। अब स्टेप बाय स्टेप हम क्वेश्चन को सॉल्व करते चलेंगे, जो भी न्यू प्रॉब्लम्स हमारे इस क्वेश्चन में आने वाले हैं। अब नेक्स्ट ट्रांजेक्शन इज व्हाट, तो नेक्स्ट ट्रांजेक्शन से पहले पहुंचने से हम क्या बताए थे आपको, हम क्या लिखते हैं, फर्स्ट हम अपना इक्वेशन हमेशा नोट करते हैं। इक्वेशन मीन्स कि आप जो हमारे पास ट्रांजेक्शन होंगे उनका एडजस्टमेंट करते रहते हैं। तो यहाँ पर 1 लाख के साथ तो कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो ये 1 लाख एज इट इज हमारा इसके नीचे आ जाएगा, क्यों, क्योंकि इसमें कोई भी प्लस और माइनस नहीं हो रहा है। फिर यहाँ पर सिंपल सा जो जैसे है वैसे ही अभी हमने इसको ऐसे एज इट इज लिख दिया। अब आएंगे अपने ट्रांजेक्शन नंबर सेकेंड पे और यहां से हमारा अब न्यू टाइप का एडजस्टमेंट स्टार्ट हो जाएगा। व्हाट इज, तो पेड रेंट इन एडवांस रुपीज 3000। हमने रेंट पे किया है एडवांस में, और एडवांस जब भी हम कोई पेमेंट करते हैं तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं अपने वीडियोस में कि एडवांस पेमेंट हमारे लिए होता है प्री पेड एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस की 2 कैटेगरीज मैंने बताए थे, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस एंड प्री पेड। आउटस्टैंडिंग मीन्स एक्सपेंसेस ड्यू और एरियर, एंड प्री पेड एक्सपेंसेस मीन्स एक्सपेंसेस पेड इन एडवांस। So, मैंने बताया भी था कि प्रीपेड एक्सपेंसेस जो होते हैं, यानी कि एक्सपेंसेस जो एडवांस में हम पे करते हैं, वो हमारे लिए एसेट्स होते हैं, और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस अगर कभी आ जाए क्वेश्चन में तो वो हमारे लिए लायबिलिटी होते हैं। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा इस टाइप के एक्सप्लेनेशन के, आप वीडियो को अच्छे से देख लीजिएगा। अब यहां पर हमने ट्रांजेक्शन नंबर सेकेंड पूरा लोड कर दिया, क्या हो रहा है, पेड रेंट इन एडवांस। तो एडवांस हमने रेंट पे किया, तो कैसे पे किया होगा, पॉकेट से पैसा निकाला और पे कर दिया। सबसे पहले क्या हमारे पास से गया, कैश, तो कैश गया कितने का 3000, तो -3000 हमने तुरंत यहां पे कर दिया। दूसरी चीज क्या होगा, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस आ गई, सॉरी प्रीपेड एक्सपेंसेस आ गई, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस भी हमारे क्वेश्चन में है, मैंने लिया है। सो प्रीपेड एक्सपेंसेस हमारे लिए क्या है, एसेट्स है। सो हम तुरंत यहां पर मेंशन करेंगे अपने एक एसेट्स के कॉलम में, जैसा कि मैंने ऐड करने के लिए आपको बताया था, तो यहां पर हमने मेंशन कर दिया प्रीपेड एक्सपेंसेस, ठीक है। और बाकी जहां पर ये डाटा नहीं आया है अभी तक, वहां पे हम क्या कर देंगे, 0 ऐड कर देते हैं और न्यू ट्रांजेक्शन में अपने यहां पर ऐड कर देंगे। प्रीपेड एक्सपेंसेस 3000 क्या आ गया, तो कैश में से 3000 माइनस हुआ क्योंकि पेमेंट हो गया, और प्रीपेड एक्सपेंसेस में ये 3000 ऑटोमेटिक प्लस हो गया। तो ये देखिए, ये हो गया इक्वेशन। अब बताइए क्या लायबिलिटी पर कोई इफेक्ट पड़ेगा, बिल्कुल नहीं। कैपिटल पर कोई इफेक्ट पड़ेगा, बिल्कुल नहीं। सो फिर यहां पर कैपिटल पर एंट्री में क्या हो गया, 0, क्लियर। अब इसके बाद से क्या करेंगे, इक्वेशन चेक करेंगे, तो -3000 +3000 क्या हो गया, 0, और इज इक्वल टू इधर क्या है, 0। तो अब यहां पर हम अपने सेकंड ट्रांजेक्शन की एंट्री को पैक कर देंगे और इसके बाद से हम इक्वेशन बनाएंगे, और वो इक्वेशन कहा जाएगा हमारा, जैसे यहां पे इक्वेशन कहे थे जिसके पहले तो कोई एडजस्टमेंट नहीं हुआ, लेकिन अब देखिए यहां पर हो गया ना, तो अब क्या लिखेंगे हम यहां पर, न्यू इक्वेशन, ठीक है। अब न्यू इक्वेशन जब करने जाएंगे तो फिर हम इसको अब कैलकुलेट करेंगे। सो 1 लाख -3000 किया तो वैल्यू आ गई हमारी 97000, एंड 0 में 3000 प्लस किया तो वैल्यू आ गई हमारी
3000 इज इक्वल टू, इधर तो अभी लायबिलिटी कुछ नहीं आई है, प्लस इधर 1 लाख प्लस 0 क्या हो जाएगा अमाउंट 1 लाख का। तो ये हमारा सॉल्व हो गया। अब आएंगे अपने नेक्स्ट इक्वेशन पर फिर से, जो है थर्ड नंबर। तो व्हाट इज थर्ड ट्रांजेक्शन? सो परचेज गुड्स फॉर कैश रुपीज 50,000 एंड क्रेडिट रुपीज 20,000। मतलब हमने परचेज किया, तो जैसा कि हमने ऑलरेडी आपको बताया था पहले कि ट्रांजेक्शन हमारे टू टाइप्स के होते हैं। तो परचेज किया हमने, तो हमने टू टाइप्स में परचेज किया, एक किया कैश परचेज और एक किया क्रेडिट परचेज। कैश में परचेज किया कितने का हमने? 50,000। सो 50,000 हमारा कैश परचेज एंड क्रेडिट परचेज हमारा हो गया 20,000। तो अगर आपसे कोई पूछे कि चलो बताओ तो टोटल कितने का परचेस किया, क्योंकि परचेस हमने क्या किया, गुड्स, तो बताया जाए टोटल गुड्स कितने का आया। तो 50,000 एंड 20,000 टोटल हमारे पास कितने का आ गया? 70,000 का हमने गुड्स या फिर स्टॉक परचेस किया। और स्टॉक हमारे बिजनेस के लिए क्या होता है? एसेट्स। तो सबसे पहले क्या करेंगे, एसेट्स में आके यहाँ पर अपने कॉलम में पहले एक नया आइटम ऐड कर देंगे विच इज स्टॉक, और बाकी जहां पर अभी तक नहीं आया है वहां पर हम जीरो ऐड कर देंगे। तो यहां पर हमने ऐड कर दिया सभी जगह जीरो, क्योंकि अभी इन सब ट्रांजेक्शन में जीरो नहीं आए थे, स्टॉक नहीं आया था, तो सब में ये जीरो वैल्यू हो गई। ट्रांजेक्शन नंबर थर्ड नोट किया और हमारे पास से सबसे पहले क्या आ गया, 70,000 का स्टॉक यानी गुड्स परचेस किया। तो सबसे पहले स्टॉक में हमने 70,000 को प्लस कर लिया। अब देखेंगे क्या हो रहा है। तो हमने परचेस किया कैश में 50,000, मतलब परचेस किया गुड्स 50,000 का और पॉकेट से कैश निकाल कर दे दिया। इट मींस दैट कि हमारे पास से 50,000 का कैश गया, तो गया तो फिर क्या हो गया, ये माइनस, तो माइनस 50,000। लेकिन ये ट्रीटमेंट हो गया, ये भी हो गया, अभी ये तो बचा है ना 20,000, और ये क्रेडिट परचेज हुआ। क्रेडिट परचेज मींस उधार खरीदा, और जब भी हम क्रेडिट परचेज करते हैं तो मैं आपको ऑलरेडी बताया हूं कि हमारे आते हैं फिर क्रेडिटर्स, क्योंकि हमको पेमेंट करना है, उधार खरीद लिए और बाद में फिर कुछ दिन बाद पैसा पे करेंगे, तो वो हमारे लिए क्या हुए, क्रेडिटर्स, एन अमाउंट विच वी हैव टू पे इन फ्यूचर नोन एज लाइबिलिटी। तो यहां पर हम लाइबिलिटी साइड में एड कर देंगे क्या अपने, क्रेडिटर्स, जिस तरह से एसेट्स में एड करते आए हैं, ठीक है। तो अभी तक तो कुछ नहीं आई है लायबिलिटी, तो हम यहां पर जीरो मेंशन कर दे रहे हैं, क्योंकि अगर इसके पहले आया होता कुछ तो हम नोट कर रहे होते, नहीं आया तो अभी जीरो मेंशन हुआ। तो लायबिलिटी में क्रेडिटर्स कितने के आगे हमारे पास, टोटल 20,000 के, तो क्रेडिटर्स के कॉलम में 20,000 और आ गया। फिर प्लस कैपिटल पर कोई इफेक्ट पड़ेगा? बिल्कुल नहीं। अब यहां पर एक बार इक्वेशन को चेक कर लिया जाए, तो कैसे चेक होगा, माइनस 50,000 प्लस 70,000, तो प्लस 70 और माइनस 50 करें तो आंसर मिला 20,000 इज इक्वल टू 20,000 प्लस 0, क्या मिल गया 20,000। देखिए इक्वेशन इक्वल हो गया ना, 20,000 इधर भी 20,000 इधर भी, अभी इसके बाद भी इक्वल होना चाहिए। फिर जब हम इस पूरे इक्वेशन को पैक कर देंगे तो अब हमारा क्या होगा, न्यू इक्वेशन फिर से बनेगा। तो फिर यहां पर मेंशन करेंगे सबसे पहले न्यू इक्वेशन और इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। So, 97,000 में से हम 50,000 माइनस करेंगे तो तुरंत कहेंगे क्या, 47,000, ठीक है, क्योंकि यहां पर 459 हो गया तुरंत, ठीक है, 47,000 ये बैलेंस आ गया। और अब क्या होगा, प्रीपेड एक्सपेंसेस, तो ये इस ट्रांजेक्शन में तो कुछ नहीं था, तो यहाँ पे ये जीरो वैल्यू है, और 3,000 में प्लस यहां पर किया हमने, तो ये प्लस 3,000 इसमें आ गया, ठीक है। फिर स्टॉक में टोटल कितनी वैल्यू है, टोटल है 70,000, सब ऐड करते हुए सिर्फ ये वाले कॉलम को देखना है, ये और ये। फिर इज इक्वल टू इधर आए, 0 प्लस 20 इधर हो गया 20,000 का, और फिर 1 लाख प्लस 0 हो गया हमारा 1 लाख की वैल्यू पूरे। अब एक बार चेक करेंगे फिर से इक्वेशन ही सबसे इंपॉर्टेंट, इसीलिए तो इस चैप्टर का नाम अकाउंटिंग इक्वेशन है, क्योंकि आपको लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड करना है, एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल करना है। So, 47 प्लस 3000 तुरंत कहा 50,000, और 50,000 प्लस 70,000 तो कितना हो गया 1,20,000, और 1,20,000 इधर अब इधर आते हैं, तो 20 प्लस 1 लाख कितना हो गया 1,20,000। तो ये हमारा इक्वेशन सेटिस्फाइड है। अब हम आएंगे अपने नेक्स्ट फोर्थ नंबर ट्रांजेक्शन पे। व्हाट इज फोर्थ नंबर ट्रांजेक्शन इज सोल्ड गुड्स फॉर कैश रुपीज 80,000 कॉस्टिंग रुपीज 40,000। अब यहां पर आपको देखते ही पता चल गया होगा, सर इस टाइप का तो आप ट्रांजेक्शन बताए हैं, हम कर लेंगे, बिल्कुल आप कर सकते हैं, ये ऑलरेडी बताया जा चुका है आपको। तो क्या है, सोल्ड गुड्स फॉर कैश 80,000, हमने गुड्स बेचा है 80,000 का, कॉस्ट कितनी उसकी है 40,000। तो अब आप बताइए किसी प्रोडक्ट की प्राइस, कॉस्ट प्राइस कितनी, कॉस्टिंग 40,000 है, और उसे हमने सेल किया, मीन सेलिंग प्राइस है 80,000 का, तो बताइए आपको प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ। तो आप तुरंत बताएंगे कि सर प्रॉफिट हुआ, और प्रॉफिट कितने का हुआ, तो सर 40 का स्टॉक था, 80 में सोल्ड किया, इट मींस दैट कि हमारा 40,000 क्या है, प्रॉफिट है।
ये हमने मेंशन कर दिया प्रॉफिट। अब करेंगे किस तरह से क्वेश्चन को, तो सबसे पहले अपने फोर्थ नंबर ट्रांजेक्शन को हम यहां पर मेंशन करेंगे, और इसके बाद से हम पहले ही बताए हैं कि हम यहां पर अब सोल्ड कर रहे हैं क्या चीज, गुड्स, तो यानी गुड्स अब हमारे पास से जाएगा, तो गुड्स आउट हो रहा है तो गुड्स माइनस होगा स्टॉक में से, यानी कि जैसा कि मैंने यहां मेंशन किया है, तो जब परचेस करते थे तो गुड्स इन होता था, सोल्ड करेंगे तो गुड्स आउट होगा, तो माइनस होगा। तो कितने का गुड्स माइनस किया जाए, कॉस्ट प्राइस या सेलिंग प्राइस, तो पहले ही बताया जा चुका है कि कॉस्ट प्राइस मींस बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में स्टॉक की जो एक्चुअल वैल्यू है वही माइनस होती है। सो स्टॉक की कॉस्ट प्राइस यानी एक्चुअल वैल्यू कितनी थी, 40,000, तो स्टॉक में से हमने तुरंत पहले माइनस कर दिया 40,000। ठीक, अब देखिए क्या हमको कैश मिल रहा है कि नहीं, तो सोल्ड गुड्स फॉर कैश, कैश मिल रहा है मींस, तो अगर हमने 40,000 का गुड्स दिया तो सामने वाले ने हमें पैसा कितना दिया, 80,000, जैसा कि यहां पे है, तो कैश हमारे पास इन हुआ, कितना कैश इन हुआ, 80,000, तो यहां पे हमने तुरंत 80,000 प्लस भी कर दिया, और प्रीपेड एक्सपेंसेस पर तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। फिर दिमाग में आएगा क्वेश्चन, सर 40 का अगर स्टॉक है और 80,000 में अगर सोल्ड किया तो 40,000 प्रॉफिट भी दिखाते हैं, और आप पहले ही बता चुके हैं सर कि कैपिटल साइड में ही जाकर हम अपने प्रॉफिट को प्लस करते हैं और अगर लॉस है तो माइनस करते हैं, तो तुरंत आ जाएंगे इस साइड हम कैपिटल में और क्या करेंगे, प्लस 40,000 का जो प्रॉफिट हुआ है वो प्लस कर देंगे। क्या क्रेडिटर्स का इफेक्ट पड़ेगा, बिल्कुल नहीं, क्रेडिटर्स में जीरो हो गया। फिर यहां पर अपने पूरे इक्वेशन को हम पैक कर देंगे, क्लियर, लेकिन उससे पहले एक बार चेक भी कर लिया जाए, तो देखिए प्लस 80,000 माइनस 40,000 क्या आंसर मिला, 40,000, वो भी प्लस में, इज इक्वल टू, देखिए 0 प्लस 40,000 क्या मिला, 40,000, तो 40,000 इज इक्वल टू 40,000 इंटरेस्ट सैटिस्फाइड। अब यहां पर बनाएंगे हम क्या अपना फिर से न्यू इक्वेशन, इसी तरह से बस करते चले जाना स्टूडेंट्स, बहुत इजी क्वेश्चन है। अगर आपको कोई अलग से कोई ट्रांजेक्शन में प्रॉब्लम होता है तो मैं हमेशा बोलता हूं लास्ट में वीडियो के कि आप हमें उस ट्रांजेक्शन को कमेंट भी कर सकते हैं या फिर व्हाट्सएप करके आप क्वेश्चन को पूछ भी सकते हैं। अब यहां पर हम अपने एंट्री पर आते हैं, तो क्या होगा, 47,000 में 80,000 और आ गया हमारे पास, क्योंकि कैश प्लस हुआ बेचा है, तो कितना हो गया, 8 और 4 12, यानी कि 1,27,000 ये वैल्यू हो गया। फिर 3,000 प्लस 0 हो गया हमारा 3,000 ऑलरेडी, फिर 70 प्लस 40, तो 70 में से 40 माइनस हो रहा है स्टॉक ना, 70 माइनस 40 किया तो प्लस 30,000, क्योंकि साइन प्लस का बड़ा है। फिर आगे बढ़ते हैं, 20 प्लस 0 हो गया हमारा 20,000 का, और 1,00,000 प्लस 40 हो गया हमारा 1,40,000, ये देखिए बन गया पूरा। अब चेक कर लेते हैं, तो इधर है क्या 140 और 20 कितना हो गया 1,60,000, अब इधर भी आना चाहिए 1,60,000, तो प्लस करके देखा जाए 1,27,000 प्लस 3,000 1,30,000, 1,30,000 प्लस 30,000 1,60,000, इक्वेशन इक्वल। अब आएंगे अपने नेक्स्ट फिफ्थ नंबर ट्रांजेक्शन पे, सो फिफ्थ नंबर ट्रांजेक्शन हमारा कहता है पेड सैलरी, बहुत ध्यान से समझिएगा, यही सबसे इंपॉर्टेंट ट्रांजेक्शन अब है, पेड सैलरी इन कैश ₹4,500 एंड सैलरी आउटस्टैंडिंग 1,000, यानी कि हमने सैलरी तो पे किया है लेकिन उसमें कुछ आउटस्टैंडिंग सैलरी भी अब आ गया जो बाकी है, तो अब क्या होगा, कंडीशन देखिए स्टेप बाय स्टेप, कि पहले तो हमने कैश में पे कर दिया अपना सैलरी 4,500 का हमने सैलरी पे कर दिया, तो स्टेप बाय स्टेप हम अपने सारे अकाउंट को मेंशन करते चलेंगे। सो कैश में 4,500, तो तुरंत हमने पहले ट्रांजेक्शन नोट किया और साफ दिखता है कि पेड कैश सैलरी है 4,500, तो तुरंत कैश में से पहले माइनस हुआ माइनस 4,500, तुरंत माइनस हो गया। ठीक, अब स्टेप क्या होगा, प्रीपेड एक्सपेंसेस सर को तो कोई काम ही नहीं है यहां पे, बिल्कुल नहीं, स्टॉक का तो कोई मतलब नहीं है यहां पे, ये भी जीरो, लेकिन सैलरी है और आप पहले ही पढ़ चुके हैं अगर एक्सपेंसेस आता है, ठीक है, तो कैश में से भी माइनस होता है और कैपिटल में से भी माइनस होता है, इट मींस दैट कि माइनस 4,500 कैश में से तो हो रहा है लेकिन एक जगह से और होगा, वो कहां से, कैपिटल में से, लेकिन अभी और भी कुछ होगा, तो देखिए आपको यहां पर हम एक सिंपल सा दिखाते हैं, आपको चलिए यहां पर लिख के दे देते हैं 4,500, अभी ये और अमाउंट बढ़ेगा किस तरह से, देखिए अभी ये भी तो लाइन है हमारे पास क्वेश्चन में, आउटस्टैंडिंग सैलरी O/S मींस होता है आउटस्टैंडिंग मींस एरियर बाकी, यानी कि हमने 4,500 की सैलरी पे कर दिया लेकिन आउटस्टैंडिंग अभी 1,000 और बाकी है, तो जब बाकी है तो वो क्या हो गया, लायबिलिटी, जैसे कि प्रीपेड एक्सपेंसेस के लिए बताया था एसेट्स, वैसे आउटस्टैंडिंग क्या होती है, लायबिलिटी, ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड है, मैं लिंक मेंशन कर दूंगा, तो यहां पर हम लायबिलिटी में ऐड करेंगे क्या, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस या फिर आउटस्टैंडिंग सैलरी, ठीक है ना, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस की जगह पे यहां पर सैलरी भी नोट कर सकते हैं क्योंकि आपको पता है कि वो एक्सपेंसेस क्या है।
अब जो ऊपर से अभी तक नहीं आए हैं इसकी वैल्यू, तो सब जगह पहले हम इसको जीरो कर लेते हैं। ये बहुत सिंपल टेक्निक है कि हमारा यहाँ पर टाइम बच जाता है, क्योंकि हमको नहीं ना पता। अगर आपको कह दे पहले अकाउंट आप नोट कर दीजिए, तो भाई पहले पूरे आप ट्रांजेक्शन को पढ़ेंगे और उसके बाद आप क्या करेंगे, क्वेश्चन को लगाना शुरू करेंगे, तो पूरे ट्रांजेक्शन को पढ़ने में आपका टाइम लॉस होगा। इसलिए आप पढ़ते जाइए, डाटा ऐड करते जाइए, ठीक है। तो यहाँ पर ये भी हमने जीरो कर दिया, ये भी जीरो कर दिया, ये भी जीरो, ये भी जीरो, खत्म। अब यहां पर आएंगे इक्वल टू इधर, तो क्रेडिटर्स पर तो कोई इफेक्ट नहीं है, लेकिन आउटस्टैंडिंग सैलरी देखिए आ गया 1000 का आ गया आउटस्टैंडिंग सैलरी, तो यहां पर हमने प्लस 1000 आउटस्टैंडिंग सैलरी ऐड कर दिया। लेकिन आउटस्टैंडिंग सैलरी पे तो हुआ नहीं, कैश गया ही नहीं अभी तक, क्योंकि बाकी है। तो इफेक्ट कहां पड़ेगा, लॉस के ऊपर, और लॉस यानी कि क्या हो रहा है, फिर इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि अभी हमने पेमेंट नहीं किया, पेमेंट अभी हमको और करना है। तो एक्सपेंसेस, ये तो पेमेंट किया, ये तो माइनस हो गया कैपिटल में से, लेकिन अभी ये आउटस्टैंडिंग वाला और आ गया हमारे पास, लायबिलिटी बढ़ गई, ठीक है, लॉस बढ़ गया। तो यानी कि 4500 की बजाय इसमें 1000 और आ गया, तो ये टोटल मिलके कितना बन गया हमारा 5500, जो कि मैंने कहा था अभी आपको बताऊंगा, ठीक है। तो फिर से एक बार रिपीट कर दे रहा हूं मैं कि ये हमारा सैलरी में इसका जो कैश में से गया वो 4500 तो माइनस होगा, आउटस्टैंडिंग सैलरी ऐड होगा, और 4500 यहां से माइनस हो रहा है, ये 1000 वाला भी माइनस होगा, क्योंकि अभी ये पेमेंट नहीं हुआ है, फर्म के लिए लायबिलिटी है, पेमेंट करना है, तो कैपिटल में से ही तो माइनस होता है, आपको पहले बताया जा चुका है। तो चलिए एक बार जल्दी से इक्वेशन चेक कर लेते हैं, माइनस 4500 प्लस 000, तो ये माइनस 4500 इधर वैल्यू आया, अब इधर भी आना चाहिए माइनस 4500, तो देखिए प्लस 1000 और माइनस 5500 करेंगे तो आंसर मिला माइनस 4500, जो कि इधर बराबर है, तो इक्वेशन हमारा इक्वल हो गया। अब चलिए फिर इस इक्वेशन को हम पैक कर लेते हैं पूरा, और इसके बाद से हमारे क्वेश्चन के लास्ट ट्रांजेक्शन का। स्टूडेंट्स, अगर मे भी आपको नहीं क्लियर होगा कोई ट्रांजेक्शन, तो आप तुरंत कमेंट करिएगा, हम आपको उस कमेंट में भी इसका आंसर एक्सप्लेनेशन दे देंगे अच्छे से, ठीक है। लास्ट नंबर 6 है, तो 6 से पहले भी हम क्या बनाते हैं, न्यू इक्वेशन। तो चलिए न्यू इक्वेशन पहले बना लिया जाए, और न्यू इक्वेशन में हम सॉल्यूशन देखेंगे। तो 127 में से 4500 माइनस हो, तो तुरंत लिखेंगे यहां पर पहले 500 और 6 माइनस 4 हुआ तो 2, यहां पर हो गया 2, यहां पर हो गया 122,500, ये वैल्यू। 3000 प्लस 0 हो गया 3000, फिर इधर जाएंगे तो 30 प्लस 0 करें तो 30,000 इज इक्वल टू 20 प्लस 0 हो गया 20,000, और 0 प्लस 1000 हो गया तो 1000, और 140,000 में से 5500 माइनस हुआ तो प्लस ये हो गया 500, और यहां पर हो गया 9 माइनस 5 किया तो 4, यहां हो गया 3, यहां हो गया 134,500। स्टूडेंट कैलकुलेटर बिल्कुल मत यूज करिएगा, ठीक है। अभी आप अगर कैलकुलेटर यूज किए तो आपका जो कैलकुलेशन है वो बहुत वीक हो जाएगा, क्योंकि बोर्ड में आपको कैलकुलेटर मिलने वाला नहीं है। तो अब ट्रांजेक्शन हमने 6 नंबर नोट कर लिया, क्या है 6 नंबर ट्रांजेक्शन, बॉट मोटरसाइकिल फॉर पर्सनल यूज ₹30,000, मतलब अपने यूज के लिए हमको गाड़ी चलाना है, और क्या कर रहे हैं, पर्सनल यूज के लिए। ये तो बिजनेस का ट्रांजेक्शन चल रहा है, और बिजनेस में अपने खर्चे अगर इन्वॉल्व कर दिए तो क्या हो जाता है वो, ड्रॉइंग्स। एक बार आपको एक्सप्लेन कर देते हैं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ड्रॉइंग, एनी अमाउंट विच इज विड्रॉ बाय द प्रोप्राइटर फॉर हिज पर्सनल यूज वो क्या होता है, ड्रॉइंग, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, हम इसके कुछ एग्जाम्पल के थ्रू एक्सप्लेन करते हैं, क्योंकि ड्रॉइंग का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। होता क्या है, कभी कोई बिजनेसमैन है, और मान लीजिए उसका कोई स्टेशनरी की शॉप है, ठीक है, बुक पेंसिल कॉपी रखा हुआ है, तो वो बिजनेस में उस कॉपी को बेचता है जब, तो उसके बदले में उसको पैसा मिलता है। लेकिन फॉर एग्जांपल अगर उसका कोई बच्चा है, और अगर उसे कॉपी की जरूरत पड़ी तो वो जाएगा अपने बिजनेस में से वही कॉपी निकालेगा और अपने बच्चे को लाकर दे देगा, तो क्या वो कहेगा अपने बच्चे से कि लाओ मुझे पैसा दो, बिल्कुल नहीं। या फिर वो बिजनेसमैन खुद जाएगा पैसा रखने कि हमने कॉपी निकाला है तो चलो इसमें 20 रुपए हम डाल दे रहे हैं, 20 रुपए की कॉपी लिया है, तो ये भी नहीं करता है। तो अगर उसने वो कॉपी अपने बच्चे को दे दिया, मीन्स वो पर्सनल यूज किया, और अगर पर्सनल यूज नहीं करता तो 20 रुपए की कॉपी अगर मार्केट में बेचता तो उसे पैसा मिलता। तो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन से अपने पर्सनल यूज के लिए, चाहे हम कैश विड्रॉ करें, स्टॉक विड्रॉ करें, कुछ भी विड्रॉ करेंगे, वो होता है ड्रॉइंग। और ड्रॉइंग हमेशा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए लॉस होता है, और जैसे लॉस वर्ड आया तो आपके दिमाग में तुरंत जाएगा कि यानी कि इसमें कैपिटल का कुछ ना कुछ तो ट्रीटमेंट आने वाला है। तो चलिए देखते हैं क्या हो रहा है। बॉट मोटरसाइकिल फॉर पर्सनल यूज, तो मोटरसाइकिल खरीदने के लिए बिजनेस से क्या निकाला होगा, पैसा, ठीक है, क्योंकि पैसा निकाला होगा 30,000, और तभी तो जाके दुकान से खरीदा होगा। तो देखिए कैश निकला तो माइनस 30,000,
आपको यही पर हम एक और एग्जांपल बता देते। अगर क्वेश्चन में फॉर एग्जांपल इस तरह से कहता कि विड्रॉ स्टॉक या फिर विड्रॉ गुड्स फॉर पर्सनल यूज, तो विड्रॉ गुड्स फॉर पर्सनल यूज कहता तो स्टॉक में से माइनस होता ना कि कैश में से माइनस होता, क्योंकि जब गुड्स विड्रॉ किया तो गुड्स में से माइनस होगा, कैश विड्रॉ किया तो कैश में से माइनस होगा। तो -30,000 मोटरसाइकिल खरीदने के लिए पैसा निकाला, प्रीपेड एक्सपेंसेस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, और इसके बाद से हमारा स्टॉक पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, इज इक्वल टू क्रेडिटर्स पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, आउटस्टैंडिंग पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन कैपिटल में तो लॉस हो रहा है, तो -30,000। तो देख लीजिए -30,000 इधर, -30,000 इधर इक्वल। अब यहां पर हम फिर पैक कर देंगे, तो क्या अब बताइए हमारे पास कोई ट्रांजेक्शन बचे हैं? नहीं, पूरे कंप्लीट। अब क्या लिखते हैं लास्ट में अपने आके? फाइनल इक्वेशन, क्योंकि क्वेश्चन कंप्लीट, तो फाइनल इक्वेशन क्या होगा? 1,22,500 में से -30,000 करेंगे तो वैल्यू क्या होगी? 500 इधर और 2 इधर हो गया, 12 - 3 किए तो 92,500, 3000 प्लस 0 किया तो आया आंसर 3000, फिर प्लस ये हो गया 30,000, 0 प्लस किया तो इज इक्वल टू 0, 20 प्लस 0 हो गया 20,000 और 1 प्लस 0 हो गया 1000 और इसके बाद से 134,500 में से 30,000, तो तुरंत देखते हैं क्या देंगे, यानी कि 104,500 यही हो गया हमारा आंसर। पूरा क्वेश्चन फिर लास्ट में लाइन खींच के बंद कर देंगे, हमारा क्वेश्चन कंप्लीट। लेकिन क्वेश्चन सही है कि नहीं है ये कैसे पता करें? क्योंकि पूरा क्वेश्चन आपको एग्जामिनेशन नहीं पता चल जाएगा कि आपको इस पर पूरा नंबर मिलने वाला है या फिर कहीं ना कहीं आपने गलती किया। तो चलिए चेक कर लेते अपने इक्वेशन को। जैसा कि हमें पता है कि एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल आना चाहिए, तो एसेट्स में वैल्यू कितनी है चलिए देखते हैं, 92,000 3000। तो देखिए 92,500 है प्लस 3000 है और प्लस 30,000 है, ठीक है, और लायबिलिटी कैपिटल में देखिए यहां पर है 20,000 और इधर हमारा है 1000 और नेक्स्ट हमारा है यहां पर 1,04,500। चलिए सब प्लस कर लेते हैं तो देखा जाए वैल्यू कितनी आती है, तो ये हो गया हमारा 500 तो ऐसे ही आ गया, और इधर हो गया ये 0, ये 3 और 2 5 हो गया, और फिर ये 3 और 9 3 12 हो गया 1,25,500। इधर चलिए चेक कर लेते हैं तो इधर भी हमारा 500 तो आ ही गया, और फिर देखते हैं तो ये 4 है ये 15 हो गया, इधर हो गया 5 और फिर देखते हैं तो ये 0 है ये 2 है, तो इधर वैल्यू आ गई 2 और ये 1,00,000 है तो 1,00,000 1,25,000 देखिए 1,25,500 1,25,500 दोनों वैल्यू हमारी आपस में इक्वल हो गए। इट मीन्स दैट कि हमारा क्वेश्चन सही है, बिल्कुल सही है, गलत बिल्कुल नहीं होगा, आपका नंबर पूरा मिलेगा। हाँ, लेकिन याद रखिएगा कि थोड़ा फिनिशिंग होना चाहिए, ऐसा नहीं हो कि आपने गलत गलत लिखा हो और प्लस के नीचे प्लस ना हो तो आधा प्लस इधर चल रहा आधा इधर चल रहा फिर इधर चल रहा फिर इधर चल, नहीं, सीरीज में होनी चाहिए सब कुछ। अकाउंटिंग में मेंटेनेंस बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, ठीक है ना, क्योंकि प्रॉपर रिकॉर्डिंग अगर नहीं हुआ तो फिर अकाउंटिंग में आपके मार्क्स कट जाते हैं। प्रॉपर रिकॉर्डिंग हम अच्छे से एकदम सीरीज वाइज पूरे अकाउंटिंग कर देखिए, सारी चीजें सीरीज में चल रही हैं। ऐसे ही हमें स्टूडेंट्स अपने क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ता है। वीडियो अच्छा लगा होगा स्टूडेंट्स तो वीडियो लाइक जरूर करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन पर क्लिक करके नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा, जिससे कि मैं जैसे ही फिर आपको न्यू वीडियो अपलोड करूं आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन चला जाए। मैं सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको पिक करके बताऊंगा सारे क्वेश्चन। कोई भी आपको प्रॉब्लम होती है आप कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करिए या फिर मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप अपने प्रॉपर क्वेश्चन की पिक क्लिक करके अपनी प्रॉब्लम को सेंड करके अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व आउट भी कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आप पढ़ाई करिए, अब नेक्स्ट वीडियो फिर आएगा। ओके स्टूडेंट्स, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।